हेलो गाइस, वेलकम टू सुमिषा आर्या व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं रेडी हो रही हूँ गाजियाबाद जाने के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड के बेटे का है एक फंक्शन। वो गढ़वाल से है, उत्तराखंड से है, तो उनके में जो पहली बार बच्चे के बाल जब मुंडन होता है, उसका सर पूरा साफ किया जाता है, गंजा किया जाता है, तब उनके में एक बड़ा फंक्शन होता है। तो बस वही गेट टुगेदर के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पर कियांश, मैं, तन्वी, पतिदेव और मेरी छोटी सिस्टर आई हुई है, तो हम सब जा रहे हैं। और यहाँ पर जैसे मेरा ड्रेसिंग टेबल खुलता है, वैसे किंचू आ जाता है तंग करने के लिए मुझे, तो वही लगा पड़ा है। तो गाइज, यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी। सबसे पहले मैंने मॉइस्चराइजर लगाया, और जो आप पीछे देख रहे हो वो मेरी सिस्टर है कोमल, जो मैंने बताया आपको कि छोटी सिस्टर आ रही है मेरी। तो तन्वी जा रही थी, तो मैंने बोला तन्वी के लिए तो मेरी बहन को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मैं साड़ी और हील पहन के तो बच्चे को पकड़ना थोड़ा रिस्की होता है, इसलिए मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बुला रखा था। और यहाँ पतिदेव लगे पड़े थे कैमरे के आगे कि बताइए, कमेंट करिए कि मेरा कौन सा ब्लेजर अच्छा लग रहा है, मैं कौन सा ब्लेजर पहनूँ। तो वह बस वही कोमल और मैं हंस रहे थे, भाई जब तक आप लोगों के कमेंट आते तब तक तो पार्टी ख़त्म हो जाती। तो फाइनल हुआ कि पतिदेव ने कौन सा कोट पहना है, तो इन्होंने ब्राउन रंग का जो ब्लेजर था वो फाइनल किया। तो गाय साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली मैं अपने दोस्तों से मिलने वाली थी। और पूरे 7 साल बाद हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हमारी शादी होने के बाद, बच्चा होने के बाद बिल्कुल नहीं मिले, टाइम ही नहीं लग पाता है बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। तो फाइनली हम जो शालिनी हैं उसके बेटे के फंक्शन में फाइनली मिलने वाले हैं। और बस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम मिलेंगे, क्योंकि ये मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कॉलेज और स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो गाइस, ये मेरा पूरा लुक है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने साड़ी पहनी है, और ये साड़ी 4 to 5 years पुरानी है, और आज मैं सेकेंड टाइम इसे पहन रही हूँ। और ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, और मैंने इसे ऑनलाइन ही बाय किया है। आप बताइएगा आपको मेरी साड़ी कैसी लगी, मेरा लुक कैसा लगा, मेरा मेकअप कैसा लगा, और जो भी आपके सजेशन होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट पढ़ना और उनको फॉलो करना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, एडवाइस करिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसे लगती है, और मुझे कौन कौन से नई नई वीडियोज़ बनानी चाहिए, और मेरा लुक और मेकअप और साड़ी। तो गाइस, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरा लुक कैसा लगा। तो गाइस, बस यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी, और तन्वी सो गई थी, और मेरी सिस्टर भी रेडी हो गई थी। बहनों का यही होता है, मैं कोमल को काफ़ी देर से बोली थी तू पहले रेडी हो जा, तू पहले रेडी हो जा, नहीं, जब भी मैं रेडी होती हूँ, चाहे मेरे मायके में चाहे ससुराल में, ये मेरे साथ ही शीशे में खड़ी जाती है रेडी होने के लिए, और फिर मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि आपको पता है जब भी रेडी होना चाहिए तो मिरर थोड़ा खाली रहता है, तो हम जल्दी से मतलब अच्छे से मेकअप कर पाते हैं और डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो बस यहाँ पर तन्वी को भी मैंने रेडी कर दिया था, और निकल चुके हैं भगवान का नाम लेके कि बस टाइम से पहुंच जाए। तो हमने गूगल मैप ऑन कर लिया था, और गूगल मैप हमें बता रहा था 1 hour 34 minutes का टाइम। तो गाइस, हम निकलते निकलते, मतलब हमने ना एक्चुअली लंच भी नहीं किया, तो हमें बहुत भूख लगी थी, तो हम सोचे थे रास्ते में अगर कुछ आउटलेट्स मिलेंगे तो हम वहाँ से कुछ खा लेंगे, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब हमने सोचा खाने का तब आउटलेट्स नहीं थे, और जब आउटलेट्स थे तब हमें लगा कि हम लेट हो जाएंगे, टाइम लगेगा, तो वही ऐसा ही हुआ मतलब। और हमने सोचा मोमोज खाएंगे, तो मोमोज का हमें मतलब ऐसे जाते तो हमें बहुत आउटलेट्स मिलते जब खाने नहीं होता, जब चाहिए होते तब कुछ नहीं मिलता गाइस। तो यहाँ गाजियाबाद का जो रोड्स थे, हाईवे थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छा ही हो गया, मतलब पहले की गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट में मुझे मतलब काम जो हम देखते हैं ना, वो फ़र्क दिखता है कि कितना अच्छा मतलब काम हो रखा है। तो सड़कें इतनी अच्छी चमक रही थी, इतने जो मतलब डेकोरेशन हो रखी थी सड़क पर, अच्छे अच्छे मतलब स्टैचूज बन रखे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो वही हम मैंने थोड़ा बहुत शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो गाइस, हम पहुंच गए थे लोकेशन में, तो गाइस यहाँ पर 8:30 से पहले ही हम पहुंच गए थे, और लोकेशन ऑन द रोड था, तो ज़्यादा अंदर हमें जाना नहीं पड़ा। और यहाँ पर लिफ्ट भी थी, मतलब इसका जो वेन्यू था वो था 3rd floor पे, और इस जगह का नाम है, बैंकेट का नाम है वाव पैलेस, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो बस क्या था, हमने भी लिफ्ट में चढ़ गए और उतर गए थे हम लोग 2nd floor पे, फिर वहाँ से पैदल ही गए। और मैंने अपनी सिस्टर को कैमरा दे दिया था, मैंने बोला आप शूट कर दे, थोड़ा सा वीडियो बना दे भाई आई है, तो क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए एक छोटा सा व्लॉग बनाना था। तो गाइस, बस यहाँ पर मेरी बहन शूट कर रही थी, और हम लोग जा रहे थे वेन्यू में, एंट्री कर रहे थे, तो एंट्री करते ही मुझे दिखते हैं बहुत सारे लोग, और मैं अपनी फ्रेंड्स को ढूंढने लग जाती हूँ, और मेरी फ्रेंड्स मुझे मिल जाती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पर है शालिनी, और ये है मधुरानी, जिसके हाथ में बेबी है उसका नाम है शालिनी, और उसी के बेटे का फंक्शन है जो हम अटेंड करने आए हैं। और दूसरी साइड पर जो ग्रीन साइड पर खड़े है वो है मधु,
रानी ये भी अपने बेटे और हस्बैंड के साथ आई है और यहाँ पर सब तन्वी को, तो गाइस सब यहाँ पर तन्वी को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, सब गोदी लेते फोटो खिंचवा रहे थे और सब मिल रहे थे क्योंकि भाई मैं आई थी अपने दो दो बच्चों के साथ और शालिनी और मधु के अभी एक एक बच्चा ही है मतलब, तो यहाँ पर सब आ गए थे प्यार करने और मतलब इतना अजीब सा लग रहा था मुझे कि हम शादीशुदा होकर बच्चों के साथ मिल रहे हैं, तो मुझे बहुत वो मतलब फीलिंग ही अलग थी। तो बस थोड़ी खुशी भी थी कि भाई हम लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, अपनी फैमिली के साथ सेटल है अच्छे से। तो बस यहाँ पर सब मिल रहे थे और फिर मैं सबसे जाके मिली और फिर तो गाइस सबसे मिलने के बाद आ गई थी डीजे की साइड और यहाँ पर शालिनी और शालिनी की बड़ी सिस्टर ऑलरेडी नाच रहे थे, उन्होंने बोला आ जाओ, तो बस डांस भी कभी नहीं किया मैंने मना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। आप Thank you.